रात में सोने से पहले केवल दो इलायची खाकर पानी पीने के बाद होता है ये आश्चर्यजनक फायदा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, आप हर रोज अपनी सेहत को लेकर कोई न कोई बात जरूर सोचते रहते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किस चीज का सेवन हमारे लिए अच्छा होता है और कौन सा पदार्थ अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही कई लोगों को स्वास्थ्य को लेकर अधिक समस्याएं भी होती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इन दिनों मेडिकल जगत में इलाज की सुविधा जितनी बेहतर हो रही है, बीमारी भी उतनी तेजी से फैल रही है। लिहाजा बीमार होकर दवाइयां खाने से बेहतर है कि आप पहले से ही सतर्क रहें ताकि आप बीमार ना पड़े। दोस्तों, किचन का एक ऐसा ही मसाला है जिसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो आप बीमार पड़ने से बच सकते हैं। हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम इलायची है। जब बात इलायची की आती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ छोटी वाली हरी इलायची के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन एक और तरह की भी इलायची होती है जिसे काली इलायची या बड़ी इलायची कहते हैं। बड़ी इलायची तेज सुगंध और औषधीय लाभों के लिए जानी जाती है। काली इलायची का इस्तेमाल मसाले के तौर पर होता ही है, लेकिन औषधि के रूप में किया जाता है जिससे कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आपने अक्सर चाय में या कई और चीजों में इलायची खाई होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि चाय या कई और प्रकार की चीजों में इलायची क्यों डाली जाती है? अगर आप सोचते हैं कि इलायची सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल की जाती है तो आप गलत हो सकते हैं। इलायची खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। इलायची में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य को फायदा प्रदान करते हैं। दोस्तों, इलायची दो तरह की होती है, हरी इलायची और काली इलायची, लेकिन ज्यादातर लोग हरी इलायची का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन सी इलायची स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जितना जरूरी व्यायाम होता है उतना ही जरूरी सही खान पान भी है। प्रतिदिन आप ऐसे ही चीजें खाते हैं जिनके अच्छे असर के बारे में आपको पता होता है, इलायची भी इन्हीं में से एक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इलायची क्या होती है। इलायची एक विश्व भर में प्रसिद्ध मसाला है जो कि जिंजिबेरेसी परिवार से संबंध रखता है। खाद्य और पेय पदार्थ को बनाने में इलायची का इस्तेमाल होता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला होता है। आमतौर पर चार प्रकार की इलायची होती है, पहली हरी इलायची, दूसरी काली इलायची या बड़ी इलायची, तीसरा सफेद इलायची और दोस्तों चौथा होता है मेडागास्कर इलायची। ये चार प्रकार के नामों से जानी जाती है। हरी इलायची अधिकतर मलेशिया और भारत में पाई जाती है। हरी इलायची का इस्तेमाल मीठी चीजों को और चाय बनाने के दौरान किया जाता है, जबकि काली इलायची नेपाल और सिक्किम में पाई जाती है और ये मुख्यतः बिरयानी और सब्जी मसाले के दौरान प्रयोग होती है। काली इलायची का रंग काला होता है और ये आकार में हरी इलायची के मुकाबले देखने में बड़ी होती है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इलायची के प्रयोग से कितना फायदा लिया जा सकता है और इलायची हमारे शरीर में कैसे बदलाव लाते हैं, और साथ में इलायची के असली सच के बारे में भी जानेंगे। अगर आप हमारे बताए तरीकों को अपनाते हैं तो आपको बेमिसाल फायदे भी मिलेंगे। इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इलायची के फायदे न जानने के कारण कई बीमारियों का शिकार ज्यादा से ज्यादा लोग होते जा रहे हैं, और अगर आप इसका फायदा नहीं ले पाते हैं तो आपको बाद में अफसोस भी हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इलायची से इतने बेहतरीन इतने जबरदस्त फायदे होते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैसे दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर में कौन सी इलायची आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो आइए हम आपको बता दें कि कौन सी इलायची आपके लिए फायदेमंद होगी। इलायची हर भारतीय घर में पाई जाती है। यह माउथ फ्रेशनर वह मसाला होता है जो कई तरह के व्यंजन में डाला जाता है। इलायची का स्वाद अलग अलग तरह का होता है जिससे यह सभी को भाती है। हरी और काली दोनों ही इलायची को घरेलू नुस्खे में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हरी इलायची ज्यादा पॉपुलर है। हरी इलायची का उपयोग खाने में जायकेदार और सुगंधित स्वाद बनाने के लिए किया जाता है। इलायची न केवल खाने में स्वाद बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए घरेलू उपचार के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। हरी और काली इलायची दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है।
दोनों के अपने अपने अलग फायदे होते हैं, लेकिन औषधि तौर पर काली इलायची को ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। जहाँ बड़ी इलायची व्यंजनों को लजीज बनाने के लिए एक मसाले के रूप में प्रयुक्त होती है, वहीं छोटी इलायची मिठाइयों की खुशबू बढ़ाने के लिए साथ ही साथ कई तरह की विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति भी रखती है। लेकिन इसकी महत्ता केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यह औषधि गुणों की खान है। इलायची को संस्कृत भाषा में एला कहते हैं। छोटी सी इलायची के फायदे बहुत होते हैं। इलायची खाने के फायदे की बात हम करें तो इलायची में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमें कई सारी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। हर घर की किचन में मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली छोटी इलायची सेहत से भरपूर होती है। इलायची का सेवन कई मायनों में आपके लिए फायदेमंद भी होगा। अधिकतर लोग इलायची को स्वादिष्ट मसाले के रूप में ही प्रयोग करते हैं और इसके सेवन से सेहत को होने वाले फायदों के बारे में अनजान रहते हैं। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे इलायची खाने से होने वाले फायदों के बारे में, वो भी विस्तार से। बीमारियां इंसान को कमजोर बना देती हैं और कई बार छोटी छोटी बीमारियां जीवन भर मजबूर रहने के लिए सबब बन जाती हैं। वहीं कई बीमारियों को समाप्त करने के लिए घरेलू नुस्खे होते हैं जिन्हें अपनाकर बीमारियों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए घरेलू नुस्खे जो आपकी रसोई में काम आने वाली छोटी या बड़ी इलायची से हमेशा के लिए छुमंतर हो सकते हैं। यह तो आप सभी को पता ही होगा कि इलायची का इस्तेमाल कर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। आप इलायची का इस्तेमाल घरेलू नुस्खों के रूप में कर सकते हैं। इलायची खाने में भी स्वादिष्ट होती है, वहीं इनमें कई गुण भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती हैं। आइए जानते हैं इलायची सेवन करने से होने वाले फायदों के बारे में। रात में दो इलायची खाकर गुनगुने पानी पीने के अनेकों फायदों के बारे में दोस्तों आप भी जानें कि कैसे पहुंचाता है ये फायदा। इलायची के स्वास्थ्य लाभों का फायदा उठाने के लिए आपको इसे खाने का सही तरीका की जानकारी होनी अति आवश्यक है, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके गुणों के अच्छे फायदों के बारे में। इसके गुणों का अच्छे से फायदा उठाने के लिए आपको रात में सोने से पहले दो इलायची खानी होगी और इसके साथ आपको एक गिलास हल्का गर्म या गुनगुना पानी भी पीना होगा। वैसे तो घरों में इलायची का प्रयोग करना आम बात है जो हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। खाने में खुशबू बढ़ाने से लेकर सेहत को लाभ पहुंचाने तक ये छोटी सी इलायची बहुत असरदार होती है। इलायची का इस्तेमाल खाने के पकवानों के साथ साथ मिठाइयों में भी किया जाता है, पर अधिकतर लोग इसके बेमिसाल फायदों के बारे में नहीं जानते। पाचन संबंधित बीमारियों को ठीक करने में आप अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए बड़ी इलायची का उपयोग कर सकते हैं। यह इस समस्या के लिए बेहद प्रभावी दवा का काम कर सकती है। बड़ी इलायची से निकलने वाले रस आंतों और गैस्ट्रिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये एसिडिटी की समस्या का भी इलाज करते हैं। यदि आप अल्सर या पाचन विकार से बचना चाहते हैं तो बड़ी इलायची का उपयोग कर सकते हैं। यह पेट की जलन ऐठन जैसे खराब सामान्य संकेतों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा आपके पेट से संबंधित समस्या जिनमें भूख न लगना, खराब पाचन, पेट की गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से लड़ने और इन्हें दूर करने की क्षमता बड़ी इलायची में होती है। अतः पेट की लगभग सभी समस्याओं का उपचार बड़ी इलायची के माध्यम से किया जा सकता है। आप भी इन लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़ी इलायची का सेवन जरूर करें। याददाश्त को बढ़ाने में निभाती है अहम भूमिका। इलायची खाने से याददाश्त पर अच्छा असर पड़ता है और याददाश्त तेज होती है। इलायची पर किए गए कई अध्ययनों में ये बात साबित हो चुकी है कि लोग नियमित रूप से इलायची का सेवन करें तो उन लोगों की याददाश्त तेज हो जाती है। इसलिए जो लोग आसानी से चीजों को भूल जाते हैं वो रोजाना सुबह खाली पेट एक या दो छोटी इलायची का जरूर सेवन करें। इलायची खाने से आपकी याददाश्त पर अच्छा असर पड़ेगा और चीजों को याद रखने की क्षमता भी काफी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इलायची का इस्तेमाल करने से फेफड़ों में रक्त संचार की तेजी होती है जिससे सांस लेने की समस्या जैसे अस्थमा, तेज जुखाम और खांसी जैसे रोगों में तत्काल आराम पहुंचाता है। आयुर्वेद के अनुसार इलायची की तासीर गर्म होती है जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, इससे सर्दी जुखाम जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। यह सीने की जकड़न और कफ इत्यादि को खत्म करने में काफी मदद करता है, विषाक्त तत्वों को बाहर निकाल देती है। वैसे तो दोस्तों आप शरीर की बाहरी सफाई का तो ध्यान रखते ही होंगे,
लेकिन ये भी भूल जाते होंगे कि अंदर की सफाई उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि बाहर की सफाई। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर की सफाई तो नहाकर हो सकती है, लेकिन अंदर की सफाई कैसे करें? उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रात को सोने से पहले 2 इलायची रोजाना खानी है। यह आपकी किडनी से विषाक्त तत्वों को बाहर कर देती है। तो दोस्तों, ऐसे होती है पेट के अंदर की सफाई। इसी के साथ अगर आपको खांसी हो गई है तो रात को गुनगुने पानी के साथ 2 इलायची चबाकर जरूर खाएं। इससे आपकी खांसी जल्द ही ठीक होने लगेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलायची की तासीर बेहद गर्म होती है, जिसकी वजह से खांसी में काफी राहत मिलती है, आपका वजन घटाने में काफी मदद करते हैं। अगर आपका पेट निकला हुआ है और आप इसे अंदर करना चाहते हैं तो रात को 2 इलायची खाकर गर्म पानी पी लीजिए। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन C बॉडी की अतिरिक्त चर्बी को पिघला देती है, और इसमें मौजूद फाइबर और कैल्शियम वजन को भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए इलायची खाकर गर्म पानी पीना ना भूलें। रात को 2 इलायची खाकर गर्म पानी पीने से बालों की समस्या भी दूर हो जाती है। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और साथ ही बालों को काला भी बनाए रखता है।